अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खिड़की के शटर को अप डाउन करने के लिए और गैराज के शटर को अप और डाउन करने के लिए इसकी शटर की मोटर के कनेक्शन शटर स्विच के साथ किस तरह किए जाएंगे, कौन सी वायर कहां पे लगेगी ताकि जो हमारी मोटर है वो अप और डाउन कर सके हमारे शटर को। तो दोस्तों, ये हमारे पास ब्लू एंड ब्लैक जो है ये हमारी मेन बिजली की पावर है, 220 यानी एसी बिजली की मेन पावर है। और ये जो चार वायरें हैं ये हमारे शटर की मोटर से आ रही हैं। ब्लू एंड ग्रीन है ये जो अर्थ की वायर है, ग्राउंड वायर, यानी कि इसको आपके पास अगर अर्थ है तो लगा दें, नहीं तो छोड़ दें। ब्लू वायर हमारी कॉमन वायर है क्योंकि ये सिंगल फेस मोटर है, थ्री फेस मोटर नहीं है। ब्राउन वायर को हम शटर अप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे जबकि ब्लैक वायर को हम शटर डाउन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारे पास पैनासोनिक कंपनी का अप और डाउन के ऑप्शन वाला शटर स्विच है। कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी ये अभी हम आपको कनेक्ट करके बताते हैं। ब्लू वायर जो कि हमारी कॉमन वायर थी, इसको हम डायरेक्ट न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल डायरेक्ट हमारी मोटर में चली जाएगी। न्यूट्रल को हम किसी स्विच के ज़रिए कंट्रोल नहीं करेंगे, स्विच के ज़रिए सिर्फ हम ब्राउन और ब्लैक वायर को कंट्रोल करेंगे। मोटर की कॉमन वायर के ऊपर कॉमन का निशान लगा हुआ होता है। और ये हमारा शटर स्विच है जिसके ऊपर अप और डाउन का ऑप्शन मौजूद है। अप की तरफ इसका ऑप्शन करने के बाद जब तक हम ऑन ऑफ वाले स्विच को प्रेस करके रखेंगे तब तक हमारा शटर अप होता रहेगा, और जब डाउन करना हो हम डाउन के ऑप्शन को प्रेस करने के बाद अपनी ऑन ऑफ वाले स्विच को प्रेस करके रखेंगे तब तक हमारा शटर डाउन होता रहेगा। और ये जो बिजली की पावर ऑन करने वाला स्विच है इसकी बैक साइड पे जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर हम अपनी मेन बिजली का फेस कनेक्ट कर देंगे इस तरह। और जो ही इधर से मेन फेस ऑन होगा और जो करंट है वो हमारी इधर से होती हुई हमारे इस स्विच में आ जाएगी जहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि हम अप करना चाहते हैं या डाउन करना चाहते हैं। अभी हम डायरेक्ट अपने मेन फेज के साथ कनेक्ट करके चेक करेंगे कि ये कौन सी वायर अप करेगी। देखो उधर, हाँ देखो हमारा शटर अप हो रहा है, यानी ये हमारी वायर जो है ये अप की है। जब हमने अपने स्विच को अप किया है तो इसके किस पॉइंट में फेस आ रहा है, जो कि हमारे इस पॉइंट में आ रहा है, यहाँ पर हम अपनी अप की वायर को कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि अभी हम इसको अप किया हुआ है, अभी हम प्रेस करके चेक करते हैं उधर मार। ये देखो ये अप हो रहा है और अभी हम डाउन की जो ब्लैक वायर है ये शटर को डाउन करने गया, ये डाउन के ऑप्शन पे इस तरह कनेक्ट कर देंगे। यानी कि न्यूट्रल डायरेक्ट हमारी मोटर में जा चुकी है, न्यूट्रल डायरेक्ट हमारी मोटर में जा चुकी है। मेन फेज को हमने अपने मेन स्विच के साथ ऑन किया है, यानी कि इधर से ऑन करेंगे तो हमारी पावर इसमें आ जाएगी। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि हम डाउन करना चाहते हैं या अप करना चाहते हैं वहाँ। तो दोस्तों, अभी हमारा स्विच फिटिंग हो चुका है, अभी हमने इसको डाउन पे किया है। तो इधर से हम इसकी पावर को प्रेस करेंगे, ये देखो हमारा शटर नीचे जाना शुरू हो चुका है। और इसी तरह जब हम इसको अप की तरफ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सिर्फ पावर को ऑन करेंगे हमारा शटर से जो ऊपर की तरफ खुलना शुरू हो जाएगा। अपनी खिड़की के लिए शटर स्विच लगाना चाहें तो इसकी बिजली की पावर राइट साइड पे आप छोड़ेंगे और वहाँ से एक पाइप के ज़रिए आप अपने इस अप डाउन स्विच में ले जाएंगे जहाँ पर बिजली की पावर मौजूद होगी। तो दोस्तों, ये तरीका है खिड़की के शटर को और गैराज की शटर की मोटर की वायरों को शटर स्विच के साथ कनेक्ट करके अपने शटर को अप और डाउन करने का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यकीनन हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।